भरपूर सब्जियां फल मिल सकें। इस वाटिका में करेला, सहजन, बैगन, राजमा, फूल गोभी और सेम, खीरा, बाकला, शिमला मिर्च, कद्दू, तुरई, कोहड़ा, पालक, टमाटर, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता गोभी, लौकी, हरी पत्ती, अदरक, गाजर, मेथी उगाई जाएगी। पोषण वाटिका के लिए विद्यालय और स्कूलों में जगह चिन्हित की जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों को मौसमी सब्जियों और उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की उपयोगिता बताना और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शुरुआत की गई है, जिसको ध्यान में रखा समाचार है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो कुपोषण है उसे भारत सरकार और हमारा राज्य सरकार का ये प्राथमिकता है कि इसे हमें कुपोषण को दूर करना है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्लान होना चाहिए, जिसको लेकर के शासन स्तर से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे ऐसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे 300 से या 400 वर्ग मीटर जमीन खाली है, वहाँ पे हम लोग पोषण वाटिका बनाए। यहाँ पे मैंने अशोक पोषण अशोक वाटिका बनाई है, उसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, यहाँ की सब्जी बच्चों के काम आए और बच्चों को उसको मिला के उसमें ही खिलाए। और कभी मतलब हमारे बच्चे को कुपोषण ना रहे, इससे सब्जियों में विटामिन, पालक में विटामिन ए मिलता है, तो इससे हरी सब्जियों से बच्चों की पौष्टिक बने और बच्चा हमारा कोई कुपोषित ना मिले। यहाँ जो पोषक तत्वों की ये वाटिका बनाई गई है हरी सब्जियों की, इसमें धनिया, पालक, मेथी, ये सारी चीज बोई गई है। इन बच्चों को इन्हीं यही सब्जी खिलाई जाएगी ताकि पोषक तत्व इनमें आ सके, ये इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और कोई भी बीमारी इनको ना लगे। इसलिए यहाँ पे ये हरी सब्जी उगाई गई है और ये वाटिका बनाई गई है। वो कुछ मिनटों से चूक गई। ऐसे में मेरठ में इस बार भी किसान दिवाली की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का गन्ना भुगतान समय पर हो रहा है। मेरठ मंडल में मेरठ जिले की चीनी मिले गन्ना किसानों का भुगतान करने में नंबर वन है। जिले में अभी तक गन्ना किसानों का 76% भुगतान किया जा चुका है। जिले में 6 चीनी मिले हैं, जिनमें दौराला, सफौती, मोहद्दीनपुर, नगलामल, मवाना और किनौनी शामिल है। गन्ना किसानों ने बताया कि कुछ समय पहले गन्ना किसानों पर सरकारें ध्यान नहीं देती थी, पर भाजपा सरकार आने से गन्ने का भुगतान समय पर होता है। उनके रोजमर्रा के खर्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए अब उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता। समय पर भुगतान से सारे कार्य आसान हो गए हैं। लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है पहली सरकार में, इस सरकार में तो बहुत कर्ज है, जमीन तो लगभग सारा पेमेंट हो चुका है, रुकावट के पूरा भुगतान करीब 1 महीने का भुगतान रुका हुआ है। और गन्ना उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है, नए नए बीज आए हैं, बहुत अच्छे उत्पादन है, सही उत्पादन। प्रधानमंत्री का चंद्रयान 2 से जुड़ी टीम को हौसला देना, एक एक प्रयास को ज्ञान की खोज में विज्ञान को सम्मानित करना, वैज्ञानिकों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार करना, विकास खंड पेड़ और हरा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके के मजदूर और सीमांत किसानों ने केंद्र इसरो अध्यक्ष के साथ एक भावुक पल साझा किया। मुश्किलों से, रुकावटों से, संघर्षों से दामन छुड़ाकर कुछ नया करने का ये जज्बा ही तो है। उससे कुछ रुकावट खाते में पैसा आया है, मेरे भी खाते में पैसा आया, रुकावट है और लगी। इसका जो है लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। हम पहले जो था पहले ऐसा नहीं है, हौसला कमजोर नहीं पैसा जाता है और टाइम पे पैसा मिलता है और मजबूत हुआ, टाइम पे हर एक काम हमारे लिए सरकार बहुत अच्छी है। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, पहले फैक्ट्री को गन्ना जाता था तो पैसा टाइम से, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति सुविधा है कि बैंक अकाउंट में पैसा आता है और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने कहा चंद्रयान 2 मिशन 95 दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री जावड़ेकर ने वानिकी के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले छात्र छात्राओं को पीएचडी डिग्री प्रदान की। इसके साथ ही पर्यावरण प्रबंधन वानिकी समेत अन्य विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। श्री जावड़ेकर ने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ दौरा, कहा भेदभाव के भाजपा सरकार सभी लाभार्थियों को दे रही योजनाओं का लाभ। उनके
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, प्रदेश में पोषण अभियान की कार्य योजना को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। उनको कितना अपमान होगा क्या हमारा छोटा बेटा बेटी बुलेटिन में सलाह देता है दीजिए जा सकते अपने काबिलियत पर इस मुकाम तक पहुंच गए इसका उनको बहुत आनंद होगा, हमें उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। पांचवें दीक्षांत समारोह में एमएससी स्टूडेंट्स टोटल 253 थे, 253 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है और पीएचडी स्टूडेंट्स टोटल 62 थे, 62 पीएचडी स्कॉलर्स को डिग्री दी गई है। इसके अलावा 9 गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग बैच में अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉप हैं, लाइक फॉरेस्ट्री में, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से 9 गोल्ड मेडल्स दिए गए। कार्यक्रम में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली छात्रा ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े विषयों पर भी छात्र छात्राओं को ध्यान देना चाहिए ताकि हम पर्यावरण संतुलन के लिए कार्य कर सकें। बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में लाने, ये सब चीज़ें नेगलेक्ट हो जा रही थी, फॉरेस्ट्री फील्ड। तो मेरा ये रहता है कि अब बेटर फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को भी देखा जाए सो दैट आगे डेवलपमेंट करें हम एज इकोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए, वो बेटर सस्टेनेबल। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विशेष सचिव सिद्धांत दास, एफआरआई के कुलाधिपति डॉ एस सी गैरोला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत और WII सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे। WII ने केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की। बैठक के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि वैज्ञानिकों की मदद से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया पक्षी को बचाना संभव हो सका है। उन्होंने नई तकनीकों की इजाद के लिए WII के वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये जेनेटिक लैब है, प्राणियों का, जंगल में रहने वाले प्राणियों का जीनोमेटिक्स देखकर उसका अध्ययन करते हैं। यह अपने तरह की एक विशेष ही लैब है और वो भारत में है, इसका हमें बहुत अभिमान है। और ये लैब्स में एक और काम किया है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो लगभग समाप्ति के कगार पर थी और समाप्ति ही हो रही थी, जो बचे लोग जो प्राणी पक्षी थे उनसे जब अंडा वो डालते हैं तभी उठाकर उसका ढंग से पोषण करके 8-9 नए बस्टर्ड अब प्रयोगशाला में तैयार भी हुए और वो अभी बढ़ रहे हैं, इससे और संख्या बढ़ेगी। कार्यक्रम में मौजूद वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने वन्य जीवों की बेहतरी के लिए उल्लेखनीय कार्य कर किए हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने जीव जंतुओं के लिए काफ़ी काम किया है, विशेष करके टाइगर पर, और ये पहली बार कैमरा ट्रैपिंग में आया है कि बर्फीले एरिया में भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे उत्तराखंड में हो, टाइगर पाए गए। ये चर्चा हुई कि इस पे और शोध करने की आवश्यकता है कि वहाँ टाइगर बर्फीले एरिया में पहले से थे या हमारे पास वैज्ञानिक तकनीकी नहीं थी बर्फीले एरिया में टाइगर को कैमरा ट्रैपिंग की स्थिति नहीं थी, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन्य जीव संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया, साथ ही उनकी लैब का निरीक्षण भी किया। भारी बारिश से चमोली और पिथौरागढ़ जिले में नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के टिमटिया बोरा गांव, सियाधुरा, बासबगड़, कोटियुड़ा, तोक में भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। आपदा में कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और पशु हानि भी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम पहुंच चुकी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आपदा के बाद NDRF और SDRF समेत अन्य टीमों को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है।
तीनों स्थानों पर हमारा SDRF का टीम और NDRF का टीम और समस्त प्रशासन की जो टीम है वहाँ पहुँच गई है। मेडिकल टीम को भी रवाना कर दिया है। मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद आनंद सिंह जी की जो पत्नी है उनको भी प्राथमिक उपचार देकर ठीक कर दिया है। इसके अलावा जो अन्य एक ग्राम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे एक चार लोग के फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनको भी NDRF की टीम ने वहाँ से बचाने में सफलता हासिल की है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा के चलते बंद मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी है। इसके लिए अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था भी की गई है। उधर चमोली जिले के विभिन्न तहसीलों में भी बीती रात भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर गोविंद घाट गुरुद्वारे के ऊपर के जंगलों में बादल फटने से राजमार्ग पर खड़े एक दर्जन से अधिक वाहन मलबे में दब गए। साथ ही कुछ दुकानों, आवासीय भवनों और पुलिस थाने को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और पागलनाला में बाधित हो गया है। थराली ग्वालदम मोटरमार्ग भी भूस्खलन से बाधित है। थराली तहसील के ग्वालदम और गुडम गांव में बारिश से कुछ भवन टूट गए हैं, जिसमें एक महिला घायल हो गई। यहां कृषि भूमि को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा की सूचना मिलते ही राहत और बचाव के लिए पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंच गईं। मौसम विभाग ने कुमाऊं में कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आज देहरादून में आयोजित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और फिक्की की ओर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी में विस्तार थीम पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ हेली सेवाएं काफी जरूरी हैं। सीमांत क्षेत्रों तक सड़क मार्ग से जाने में 20 घंटे तक लग जाते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर से मात्र 1-2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। श्री रावत ने कहा कि आपदा प्रभावितों को बचाने और राहत पहुंचाने में हेली सेवाएं बहुत ही उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य में हेली एम्बुलेंस की सेवा देना चाहते हैं। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला साधन हेलीकॉप्टर हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में एयरपोर्ट की बजाय हेलीपोर्ट विकसित किए जा सकते हैं। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक डॉ. संजीव चोपड़ा ने कहा कि हेली सेवाओं को अफोर्डेबल बनाने की चुनौती है। उन्होंने बताया कि अकादमी में 3 हेलीपैड पर व्यावसायिक सेवाएं प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। इसके तहत उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य, उत्तरकाशी को श्रेष्ठ जनपद, चमोली के माणा गांव को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, हरिद्वार के अजीतपुर को श्रेष्ठ नमामि गंगे ग्राम और उत्तरकाशी के बगोरी गांव को श्रेष्ठ गंगा ग्राम का सम्मान मिला है। साथ ही देहरादून के सहसपुर की शक्ति स्वयं सहायता समूह की गीता मौर्य को महिला चैंपियन श्रेणी में सम्मानित किया गया, जबकि नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के चंद्र प्रकाश को स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप श्रेणी में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने वाले प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। भारत सरकार ने अवार्ड किया है हमारे 7 लोगों को, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो स्वच्छता का काम है, निर्मलता का काम है जल की, ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। अगर हम अब छोड़ दें तो कल से फिर गंदगी शुरू हो जाएगी, और इसलिए निरंतर हम करते रहे हैं, ये हमारे जीवनचर्या का हिस्सा बने, ये हमारे उससे प्रयास होना चाहिए। स्वच्छता सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में गंगा और यमुना का उद्गम है। इन नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने की पहली जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना की स्वच्छता के साथ ही स्वच्छ उत्तराखंड के लिए हम सबको दृढ़ संकल्प होकर अपना योगदान देना जरूरी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।